हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक ऐसी टिप्स लेकर आए हैं जिसे आप इस्तेमाल करोगे तो आपके घर में कोई मच्छर मक्खी नहीं बचेंगे। हाँ दोस्तों, गर्मियों का सीजन आ चुका है। इस सीजन में हम मच्छरों से बहुत परेशान रहते हैं और शायद आपको ये तो पता ही होगा कि मच्छरों से हमें कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। जैसे डेंगू, मलेरिया और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो मच्छरों से ही फैलती हैं। तो क्यों ना दोस्तों, हम अपने घर को साफ सुथरा और हम अपने घर में मच्छरों को फटकने भी ना दें। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मच्छरों को भगाने का एक सिंपल इजी तरीका, जिसे आप इस्तेमाल करोगे तो आपके घर में कोई मच्छर मक्खी नहीं रहेंगे। श्योरली मैंने इसे अपने घर में इस्तेमाल किया है, मेरे घर में कोई मच्छर मक्खी नहीं है और इससे इसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ उसके लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। उसके लिए हमें चाहिए, देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये मिट्टी का दिया लिया है। ज्यादातर हम इसे दिवाली पर इस्तेमाल करते हैं, ये तो सभी के घरों में अवेलेबल होगा और हर घर में इस्तेमाल जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें यह मिट्टी का दिया लेना है और मिट्टी के दिए के अंदर हमें डालना है कोकोनट ऑयल। ये हमने कोकोनट ऑयल लिया हुआ है, हम दिए के अंदर कोकोनट ऑयल डाल देते हैं। देखिए, हमने 1 स्पून कोकोनट ऑयल लिया हुआ है, आपको इतना ही कोकोनट ऑयल लेना है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे नीम का ऑयल। देखिए, आप देख सकती हैं, यह छोटी सीसी आती है और इससे भी छोटी सीसी आती है। अगर आप लाना चाहे तो आपको यह पैकेट में भी अवेलेबल मिलेगा। यह आपको कहीं भी मार्केट में अवेलेबल मिलेगी, आप कहीं भी स्टोर से इसे ला सकते हैं। तो अब मैं अपनी बात को ज्यादा बढ़ा नहीं रही हूँ, सिर्फ अपनी बात को यहीं पर खत्म करके हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हम आपको बता रहे थे कि मच्छर कि हमें किस तरह अपने घर से भगाने हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यह नीम का तेल लिया हुआ है और अब मैं इसके अंदर 1 स्पून नीम का तेल डाल दूंगी। फ्रेंड्स, हम कोकोनट ऑयल इसलिए इस्तेमाल करते हैं, इससे हमारे घर में अच्छी खुशबू भी रहती है। अब हमें आवश्यकता होगी एक बाती की। देखिए, ये हमने कॉटन की बाती बनी हुई ले रखी है। अब हम इसे अपने ऑयल के अंदर डिप करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, देखिए हमने इसे डिप कर दिया है। अब हम इसकी लो को ऊपर की तरफ रहने देंगे ताकि यह आसानी से जल जाए। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी आपको इसे किस तरह इस्तेमाल करना है। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह हमें इसकी बाती बनाकर इसे इस तरह अपने घर में इसे लगाना है और जहां पर भी आप सोए उसी जगह आप इसे लगा सकते हैं, जहां पर आपको ज्यादा मच्छर महसूस होते हो या फिर जहां से भी आपको मच्छर भगाने हो। खासकर इन दिनों में बच्चे मच्छरों से काफी परेशान रहते हैं। अगर आप बच्चों के कमरे में इस का इस्तेमाल करेंगे तो आपके घर में कोई मच्छर मक्खी नहीं दिखेगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही इजी और सिंपल तरीका है, आप अपने घर से मच्छर मक्खियों को भगा सकते हैं। आप इसी तरह बाती बनाकर अपने घर में लगाइएगा और हमेशा के लिए मच्छर मक्खियों से छुटकारा पाइएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यह नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। दोस्तों, अगली एक नई वीडियो के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।